दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और एक नए ब्लॉग के संग में आज फिर आपके सामने आ गया हूँ, आपका अपना भाई जीशान अली। जो मेरा आज का अपना ब्लॉग है वो आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हमारी जो जय जननी जय भारत की टीम है वो नैनीताल में कम से कम 25-26 दिनों से नैनीताल के क्षेत्रों में सैनिटाइज कर रही है। और आज मैं उसके संग फिर आ गया हूँ दोबारा से, और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ जो हमारी टीम के मेम्बर हैं। और नैनीताल में अलग अलग वार्डों में जाके, अलग अलग क्षेत्रों में जाके वो सैनिटाइज कर रही है। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको हर थोड़ी इमोशनल भी लगेगी, थोड़ी अच्छी भी लगेगी, और आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर को, और मैं आपने जो सैनिटाइज का कार्य हो रहा है उसको दिखाता हूँ। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, इस टाइम जय जननी जय भारत की टीम लगातार 25 दिनों से सैनिटाइज का काम कर रही है। और यह नैनीताल में हर वार्ड में जा रही है, हर क्षेत्र में जा रही है और सैनिटाइज कर रही है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, इनके जज्बे को सलाम है कि रोज़ शाम को निकल जाते हैं और अलग अलग वार्डों में जाके, अलग अलग क्षेत्रों में जाके सैनिटाइज करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं अभी। जय भारत की टीम के द्वारा चल रहा है और अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाके सैनिटाइज कर रहे हैं और लगभग ये 25 दिनों से कर रहे हैं नैनीताल के क्षेत्र में हर जगह। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ आज अपने चैनल के माध्यम से सैनिटाइज का कार्यक्रम, कि सैनिटाइज कैसे होता है, कैसे हो रहा है नैनीताल के क्षेत्र में। ये जय जननी जय भारत की टीम करा रही है लगभग 25 दिनों से। तो ये मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपकी दुआ साथ रही, आपका आशीर्वाद साथ रहा, तो आगे भी करते रहेंगे। सैनिटाइज का कार्यक्रम जय जननी जय भारत की टीम द्वारा, ये देख आप स्टैम्प, जय जननी जय भारत की टीम निरंतर काम कर रही है 25 दिनों से। और ये हमारे सामने लीडर मनोज सर जगाती रेड जैकेट में। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, अभी हमारी जय जननी जय भारत की टीम निरंतर 25 दिनों से सैनिटाइज का काम कर रही है, अलग अलग वार्डों में जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। तो आज मैं अपने ब्लॉग या वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आपको हमारा ये कार्य पसंद आए तो हमें कॉमेंट करके बताना कि हमारा ये कार्य कैसे चल रहा है नैनीताल में। और वैसे तो मैं आज ही आया हूँ और ये लगभग ये 25 या 26 दिनों से चल रहा है, मुझे आज ही टाइम लग पाया है क्योंकि मैं आज ही निकला हूँ घर से। तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा कि ये कार्य कैसा है, इसमें जो ये समस्या चल रही है इस पूरे भारत में। और मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी आपको मैं बैक कैमरे से आप दिखाता हूँ कि सैनिटाइज का कार्यक्रम हमारे अलग क्षेत्रों में कैसा चल रहा है। वीडियो के और ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइम सैनिटाइज का कार्य चल रहा है इस टाइम। और इस टाइम हम बाजार के क्षेत्र में आए हुए हैं, तो ये बताना चाहूँगा कि आप स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारी टीम है 25 दिनों से लगभग कार्य कर रही है इस टाइम सैनिटाइज का। तो मैं चलिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ये हमारे जय जननी जय भारत के सदस्य जीशान अली सैनिटाइज करने के लिए आए हैं आज ही नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में। आज हमारी टीम द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। बीते 25 रोज से लगातार हमारी टीम और हमारी टीम के सदस्य द्वारा नैनीताल के विभिन्न वार्डों में सैनिटाइज किया जा रहा है। जिसमें यूट्यूबर ये हमारी टीम के सदस्य जय जननी जय भारत के जगाती जी, नरेन भाई, पवन भाई,
डंगवाल जी, जिशान भाई, तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारे श्री मनोसा जगाती हैं और जो जय जननी जय भारत की टीम है उसके लीडर भी हैं। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए मोस्ट वेलकम जिसाना ही नैनीताल। जो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे जो ये कार्य चल रहा है सैनिटाइज का, ये कितने दिनों से चल रहा है? जय जननी जय भारत। आज हम जो है एक कोरोना काल में एक युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम जय जननी जय भारत, जिसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं और हमारे संग एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हैं नरेंद्र सिंह जी जी, और हमारे परवेश भाई के जो है प्रयास बहुत इस पर सराहनीय हैं, और अपने डंगवाल जी हैं, हेमंत डंगवाल जी हैं, पवन आर्या जी हैं, और आप खुद जिशान अली जी हैं जी। बहुत लोग लगे हैं, हम लोग बहुत कर रहे हैं, नाजिम भाई हैं जी और एक उमान भाई हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, जगह जगह हम जाते हैं सैनिटाइज करते हैं। नैनीताल शहर के सिवा हम नैनीताल से बाहर भी गांवों में जा रहे हैं, जिसमें हमारे मनोज कुमार जी जो है अपनी गाड़ी से लेके जाते हैं और गांवों में जहां से फोन आता है हम लोग वहां सैनिटाइज कर रहे हैं जी। यहां तक कि कोरोना काल में जो आइसोलेट परिवार थे उनको हम लोगों ने सामान भी पहुंचाया, लगातार हम अभी भी पहुंचा रहे हैं। आइसोलेट परिवारों के घर में जाके हम सैनिटाइज कर रहे हैं, जगहों में तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उन परिवारों को भी हम देखभाल कर रहे हैं जो आइसोलेट है और जो हमसे संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आपके ये सैनिटाइज का कार्य चल रहा है तो आपके दिमाग में कैसा आया कि हमें नैनीताल में क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जाके सैनिटाइज करना चाहिए? ऐसा है कि हमारा एक ही उद्देश्य है और हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं, ये देश भी मेरा है, ये शहर भी मेरा है और ये लोग भी मेरा है, तो इनके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। जहाँ हमारी हमारे ग्रुप का नाम है जय जननी जय भारत, जहाँ जय जननी का नाम जुड़ जाता है, जय भारत का जुड़ जाता है, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि बॉर्डर में बंदूक लेके ही खड़े होने से देशभक्ति नहीं हो जाती, लोगों की सेवा करने से भी देशभक्ति हो जाती है। तो उसी उपलक्ष्य को लेते हुए हम उसी लक्ष्य को लेते हुए हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये देश में ये समस्या चल रही है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये कहूँगा जो जो गवर्नमेंट कहती है वो बेवकूफ़ नहीं है। वो कहती है मास्क लगाओ, आपको मास्क लगाना चाहिए। अगर वो कहती है दूरी बनाओ तो आपको दूरी बनानी है। आपको कहती है कि वैक्सीन लगाओ, आपको वैक्सीन लगानी है। और साथ ही साथ आपको अगर सैनिटाइज घर पे यूज़ करना है तो आप करिए, साबुन से हाथ धोजिए और जितना हो सके घर से बाहर मत निकलिए, फालतू मत घूमिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलती नहीं है दोबारा, ये सत्य बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए शुक्रिया। और मैं आपको बताना, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हमारे ये लीडर हैं मनोसा जगाती और बहुत सराहना कार्य करते हैं। वर्षा जब मानसून आता है तो पेड़ लगाते हैं, उसके पश्चात ये नैनीताल के जो नगर पालिका से क्षेत्र जो बाहर हैं उनमें जाके सफाई अभियान भी करते हैं, और जो अभी इस टाइम समस्या चल रही है इसमें ये सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं हमारी पूरी जय जननी जय भारत की टीम है और पीछे हमारे लीडर खड़े हैं और सामने हमारे परवेश भाई हैं। तो परवेश भाई से मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, तो परवेश भाई आपको ये कार्य करते हुए कैसा लग रहा है इस टाइम? सबसे पहले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, ये बीते 24-25 दिनों से हम लगातार सैनिटाइज का कार्य नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं, और हमारे जो संस्था के अध्यक्ष हैं, संस्थापक आदरणीय बड़े भाई मनोसा जगाती जी पीछे खड़े हुए हैं जी, इनके द्वारा रोज़ हमें ये निर्देश होता है कि अपना जो भी थोड़ा बहुत अपना काम निपटाने के बाद हम रोज़ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निकल जाते हैं, और जो होम आइसोलेटेड परिवार हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके घर जाके भी हम क्या कहते हैं सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं, और हमारी टीम के द्वारा उनको क्या कहते हैं दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो आपको जो ये सैनिटाइज का जो ये मशीन मैं देख रहा हूँ इस टाइम, ये आपको खुद दी गई है, किसी से द्वारा दी गई है या आप खुद लाएँ? ये हमें भुवन चंद लोनी जी द्वारा दी गई है, हल्द्वानी में रहते हैं, उनके द्वारा हमें ये दी गई है, और एसिड भी हमने उन्हीं में दिया है। अच्छा, तो उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जय जननी जय भारत की टीम से कि उन्होंने हमें ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये दी है। तो परवेश भाई आप ये कितने दिन से कार्य कर रहे हैं? लगभग हमें 24-25 दिन हो गए और हम लगातार कर रहे हैं, हमारा बीच में एक आध दिन ही मिस नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपको ये कॉल के माध्यम से आप जाते हैं या आप खुद जाते हैं? जी हम वैसे तो खुद ही आते हैं और लगभग आधे से ज़्यादा तो हमें इस बीच कॉल ही आ रहे हैं। अच्छा, तो आप कॉल के माध्यम से जाके जगह जगह क्षेत्र में जाके सैनिटाइज करते हैं। तो आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से दिल से पूरा सलाम है कि आपके जज्बे को सलाम है कि आप इस समस्या को जो आप ये जगह जगह क्षेत्र जा रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के आप सैनिटाइज कर रहे हैं इस कार्य को। जो जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनके जज्बे को, इस टीम के जज्बे को कैसा आप महसूस कर रहे हैं, और इस टाइम आप देख रहे हैं जो इन्होंने घर घर जाके जो सैनिटाइज़ कराए इन्होंने, तो मैं इनको दिल से सलाम करना चाहूँगा। तो परवेज भाई मुझे ये बताइए कि ये जो इसमें लगभग कितना टाइम लगता है सैनिटाइज़ करने में? इसमें सैनिटाइज़ करने में लगभग रोज़ हम 1 से 1.5-2 घंटे तो लगभग हम इसमें रोज़ देते हैं। अच्छा, 1 से 1.5 घंटा इसमें रोज़ लगता है? कम से कम ये है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 घंटे भी लगते हैं हमें। अच्छा, जो इसमें इस टाइम मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम
व्यूवर्स से अपने जितने भी हैं हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि ये कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें और घरों से बाहर ना निकलें और जो सरकार के जो नियम है उसका पालन करें, गाइडलाइन पालन करें, मास्क वगैरह पहने। जैसे हमारे बड़े भाई जगाती जी ने बताया था जी, कि जैसे वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन किसी के भ्रम में मत आए कि वैक्सीन ना लगाए, ये ना करें, आप वैक्सीन जरूर लगाएं, सरकार ने आपके लिए बना रखी है, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए, आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल में आकर जो थोड़ा बहुत बताया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। अब मैं अपने टीम के तीसरे सदस्य से मिलाता हूँ, आप देख रहे हैं जिन्होंने मशीन भी टांगी है और अभी ये वार्डों में गए हैं, सैनिटाइज किया है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो अभी इसमें केमिकल जो इसमें है वो आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है, कौन आपको दे रहा है? वो बॉबी शाह जी के द्वारा सौजन्य से प्राप्त हुई है। अच्छा, बॉबी शाह आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं केमिकल उनके द्वारा? बॉबी शाह जी हैं, बड़े बाजार में उनकी दुकान है, उनके द्वारा हमें फोन किया गया था कि अगर आपको इसकी जरूरत है तो हमसे संपर्क कीजिएगा जी। और हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनको एक बार हमने कहा, उन्होंने पूरा जो है पूरी व्यवस्था इसकी हमें करा के दी, वो केमिकल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो आपको इसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही है? समस्या हमें आती है क्योंकि हम लोगों को ये, क्योंकि नैनीताल जो है भौगोलिक स्थिति से बड़ा ही खतरनाक एरिया है जी, क्योंकि कभी चढ़ाई है, कभी सीढ़ियां हैं, कभी गलियां हैं, तो वहां से हमें गुजरना होता है, आपको समस्या होगा जी। और हमारे ये जो है पूरी टीम के हैं, जैसे हेमंत है, काफी छोटी उम्र है जी, उनका जज्बा बहुत बड़ा है जी। ऐसे युवाओं को दिल से सलाम भी करना चाहिए कि ये इस महामारी में इस टाइम आप साथ दे रहे हैं। तो मैं बॉबी शाह भुवन लोनी जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें ये जो केमिकल और ये जो मशीन अपना हमें प्रोवाइड करी है, हमें दी है। तो आपके हम दिल से सलाम करना चाहते हैं जय जननी जय भारत की टीम की तरफ से। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए शुक्रिया। तो मैं अब अपने नए मेंबर से आपको मिलाना चाहता हूं। तो हमारे श्री जो हमारे लीडर हैं मनोज जगाती, वो अपने आप जरा इनका इंटरव्यू दीजिए हमें। ये हमारे नैनीताल के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, काफी अच्छा काम करते हैं शहर के लिए, लोगों के लिए जी, और समाज के लिए जी, और बहुत ही बेहतरीन है। मैं चाहता हूँ ये भी अपने दो शब्द से कहें, आखिर आपको कैसा लग रहा है इस समय ये कोरोना काल जैसे महामारी में लोग घरों में बैठे हैं और आप जो है सेवा में लगे? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके, आप लोगों के साथ जुड़ के काम करके जी। तो आप जो करते हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी टीम मिली हुई है जो काफी समय से अच्छा काम कर रही है शहर के लिए, अपने देशवासियों के लिए, तो मैं भी आपके साथ जुड़ के बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। और खासकर जब लोगों के वहाँ जाते हैं हम लोग और जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमें लोग चाय पानी पूछते हैं जी, और बहुत लोग मतलब आपकी तारीफ करते हैं जी, बिल्कुल। तो हमें बहुत लगता है कि ठीक है, हमारे साथ साथ शहर भी हमारा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, शहर हमारे साथ में। अच्छा, तो आप जो इनके जो जय जननी जय भारत की टीम के संग आप जुड़े हैं तो किस माध्यम से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं या आपने इनके कार्य को देखा है? बिल्कुल, मैंने उनके कार्य को पिछले 4-5 सालों से नोटिस किया हुआ है जी जी जी। बहुत टाइम से मैं चाह रहा था कि उन लोगों से काम करने का मौका मिले मुझे जी, मैं भी अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि रहा हूँ जी जी जी। तो सेवाएं तो हमने पहले भी करी हुई है, मैं मिशन मेरा पहाड़ जो नैनीताल में नशे के खिलाफ काम करता है उसका भी मेंबर रहा हूँ, मेंबर हूँ जी जी, सदस्य हूँ जी। और जब जय जननी जय भारत से जुड़ के काम करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, मेरा चैनल में जिसा नैनीताल के चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जननी जय भारत, जय जननी जय भारत। फाइनली मैं अपने घर में आ चुका हूं और जैसा मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया कि जय जननी जय भारत की टीम 25 दिनों से कैसे निरंतर अलग अलग जगहों में जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सैनिटाइज कर रही है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो घर बैठे लोग उनको दिखाऊं कि जय जननी जय भारत की टीम कैसे सैनिटाइज कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में जाके। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल जिसा नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।